दोस्तों मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं एसस जेनफोन 5 का, बट मैं आपको बता दूं कि इंडिया में एसस जेनफोन 5 का आना बहुत मुश्किल है। हो सकता है आपको ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन इस वीडियो में सब बताऊंगा मैं आपको कि इंडिया में क्यों आना मुश्किल है एसस जेनफोन 5 का। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ये रेड बटन दबाकर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ में दबा देना ये बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहले हम एसस जेनफोन 5Z की बात करते हैं जो कि फ्लिपकार्ट पे लिस्ट हो चुका है। यह एक एसुस का फ्लैगशिप आने वाला है स्नैपड्रैगन 845 के साथ। इसका सीधे कॉम्पिटिशन है वन प्लस 6 से। अब जैसे हम सबको एसुस ने सरप्राइज किया था एसस जेनफोन मैक्स प्रो के टाइम पे, मतलब हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि हमको ये फ़ोन मिल सकता है 11,000 में स्नैपड्रैगन 636 के साथ। अब लगता है फिर से बहुत ही ज़बरदस्त प्राइसिंग होने वाली है एसस जेनफोन 5Z की। अगर ये फ़ोन 30,000 तक आ गया फिर चाहे हो ओनर 10 या हो वन प्लस 6, दोनों का ही बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन मिलेगा, क्योंकि जो एसस जेनफोन 5Z है वो बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है। कहीं ना कहीं वो फ़ोन बेटर ही आपको मिलेगा वन प्लस 6 या ओनर 10 के कंपैरिजन में। अब दोस्तों आप खुद सोचो कि एसस जेनफोन 5 कैसे आएगा। अगर ये फ़ोन 20,000 से कम के प्राइस में आता है तो ऑलरेडी एसस जेनफोन मैक्स प्रो अवेलेबल है स्नैपड्रैगन 636 के साथ, और इसका 6GB वाला वेरियंट भी आने वाला है 15,000 में। तो ऐसे में 20,000 से कम तो आ नहीं सकता एसस जेनफोन 5, क्योंकि अगर वो 20,000 से कम के प्राइस पे आ गया तो कोई भी इसको लेना पसंद नहीं करेगा। अभी तक सबको लग रहा था कि एसस जेनफोन 5 इंडिया में 18,000 तक आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात है कि एसस जेनफोन 5Z हो या एसस जेनफोन 5, दोनों में बस प्रोसेसर का फ़र्क है, बाकी सब कुछ दोनों में बिल्कुल सेम है। तो ऐसे में अगर एसस जेनफोन 5 आया तो ज़्यादातर लोग एसस जेनफोन 5Z की जगह पर जेनफोन 5 ही ले लेंगे, क्योंकि दोनों में कोई भी फर्क नहीं है प्रोसेसर को छोड़ के। अगर एसस जेनफोन 5Z ना आता तब चांस था एसस जेनफोन 5 के आने का। अब मुझे नहीं लगता कि एसस जेनफोन 5 आएगा। अगर आप भी मेरी इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट्स में बताना मुझे। अब दोस्तों मुझे ऐसा लगता है एसस कुछ नया धमाल कर सकता है कुछ टाइम तक स्नैपड्रैगन 710 के साथ, क्योंकि एसस अब समझ चुका है कि इंडिया में किस तरह से काम करना है। आप बताओ आपको क्या लगता है इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको लोग भी इंटरेस्टिंग वीडियोज लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।